हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिजिटल HDHR में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज के वीडियो में आपको बताऊंगा Redmi Note 10 Pro मोबाइल के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो जो जो आपके इसमें Redmi Note 10 Pro मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग दे रखी है, कुछ फीचर्स दे रखे हैं, सारी डिटेल आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हो डिजिटल HDHR। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर। बात करते हैं Redmi Note 10 Pro की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो एक के बाद एक मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चलना है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन दे रखा है, एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जब हम क्लिक करते हैं तो फिर से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर होता क्या है कि जब भी हमारी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कोई एक एग्जांपल के रूप में, तो यहाँ पर बहुत सारी थीम्स दे रखी है। आपको जैसी थीम अच्छी लगे टाइम के लिए तो उसे आप सेट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाली थीम मैंने सिलेक्ट कर दी है। अब इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और इसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन कर दिया है। अब मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लॉक कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लॉक लगा दिया है। अब मैं इसे वापस अनलॉक करता हूँ, ठीक है। तो लॉक लगाने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो ये घड़ी बनी हुई आती है, जो कि आप देख ही सकते हो। तो ये जो क्लॉक है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक इफेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको लॉक ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप जैसा इफेक्ट चाहे, जैसी थीम चाहे, अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर लगा सकते हो ऑफ स्क्रीन पर, ठीक है। तो जैसा कि ये वाला टाइमर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर जो है इफेक्ट आपको दिखाई देता है। तो यहीं पे आपको वॉच इसका जो टाइम दिखाई देता है, यहाँ पर डेट दिख जाती है, आपको बैटरी परसेंटेज दिख जाती है, नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम इमेज। तो यहाँ से चाहे तो आप अपनी गैलरी से कोई फोटो सिलेक्ट करके भी लगा सकते हो और अपने हिसाब से ही सेट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या रखना है, इसे ऊपर रखना है, साइड में रखना है, नीचे रखना है, जो भी आप चाहे वो यहीं से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। बैटरी का ऑप्शन दे रखा है, नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पर कुछ कलर्स के ऑप्शन दे रखे हैं, सारे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं अभी बाहर। तो मैंने अभी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन इफेक्ट। नोटिफिकेशन इफेक्ट में होता क्या है कि जब भी आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी मैसेज आएगा, तो ये वाले इफेक्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। मैसेज आने के बाद इस तरीके से आपकी डिस्प्ले पर इफेक्ट आने लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि इससे कि आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आया है या फिर कोई नोटिफिकेशन आई है, तो इससे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है स्लीप। तो स्लीप में होता क्या है कि आप जब कोई एप्लीकेशन ओपन करके रख देते हो, मोबाइल को छोड़ देते हो ऐसे ही, या फिर कुछ कर रहे हो तो मोबाइल को ऐसे ही छोड़ देते हो। मोबाइल को ऐसे ही छोड़ देने के बाद जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन की लाइट, मोबाइल डिस्प्ले की जो लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस लाइट को कितनी सेकंड में बंद करना है, 15 सेकंड में बंद करना है, 30 सेकंड में बंद करना है, 1 मिनट में बंद करना है, तो वो उसका टाइमर दे रखा है। तो मैं इसे सिंपली 15 सेकंड पर ही सेट रहने देता हूँ। इससे क्या होगा कि 15 सेकंड में ऑटोमेटिकली जो डिस्प्ले की लाइट होती है वो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू वॉक टर्न ऑफ, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है डबल टैप टू वॉक। इस ऑप्शन से क्या होगा कि जब भी हम अपनी स्क्रीन पर लॉक लगाएंगे, अभी मेरी स्क्रीन ऑफ है तो अब मैं इस पर डबल टैप करता हूँ, डबल टैप करता हूँ तो मेरी स्क्रीन ऑन हो जाती है। यानी कि स्क्रीन बंद पड़ी स्क्रीन पर जब हम दो बार टच करते हैं तो हमारी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो डबल टैप का ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो इसे अगर ऑन रखेंगे तो जब भी आप चार्जिंग लगाओगे मोबाइल को, तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन दिखाई देता है, जो कि उसमें इसे बैटरी फुल होती हुई दिखाई देती है, ठीक है, उसके परसेंटेज बढ़ते हुए दिखा देते हैं, वो एनिमेशन यहाँ से ऑन होता है। अगर उस एनिमेशन को रखना है तो इसे आपको ऑन रखना पड़ेगा, और इसे ऑफ रखना है तो ऑफ कर सकते हो। तो इसे मैं अभी ऑन ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है डिस्प्ले के लिए। तो डिस्प्ले में चलते हैं, तो यहाँ से आप लाइट मोड और डार्क मोड दोनों का यूज़ कर सकते हो। डार्क मोड पे क्लिक करता हूँ तो पूरा सब कुछ काला काला हो जाता है डार्क मोड में, ठीक है, और यहाँ पर लाइट मोड में लाइट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट कर सकते हो, सनलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद रीडिंग मोड, यहाँ से अगर आप कोई अगर मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा चलाते हो, कोई छोटा काम करते हो, रीडिंग पढ़ने लिखने का काम करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए रीडिंग मोड एक अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या होगा, आपकी आँखें सेव रहेगी, आपकी आँखें बची हुई रहेगी, इससे आपकी आँखें ख़राब होने का खतरा कम होगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलर स्कैम का ऑप्शन मिलता है, रिफ्रेश रेट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रिफ्रेश रेट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट में दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, हाई और स्टैंडर्ड। तो 120 हर्ट्ज वाला जो होता है वो होता है हाई, और 60 वाला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड। तो आप अगर 120 हर्ट्ज पे इसे सेट करके रखते हो तो आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्लिम चलेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा। कहने का अर्थ है कि आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 60 हर्ट्ज पे इसे सेट करोगे तो नॉर्मल चलेगा, ठीक है। तो आप इसे 120 हर्ट्ज पे सेट कर दीजिए, तो इससे आपका मोबाइल जो होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप फ्रंट साइज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप फ्रंट साइज को चेंज कर सकते हो। इसकी जो फ्रंट होती है, इंग्लिश की जो राइटिंग होती है वो चेंज हो जाएगी, फ्रंट स्टाइल उसकी चेंज हो जाएगी मोबाइल की। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने मोबाइल की टेक्स्ट साइज को चेंज कर सकते हो। मैं इसे एस पर सेट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सबसे नीचे, कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको शो नोटिफिकेशन आइकन, यानी कि जिस भी चीज़ की नोटिफिकेशन आएगी उसका आइकन आपको दिखाई देगा अगर आप इसे ऑन कर लोगे तो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर देख लीजिए, अभी यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शो नोटिफिकेशन आइकन तो ऊपर बना हुआ आता है, देखो वहाँ पर। मैं भी इसे ऑफ कर देता हूँ तो वो आइकन बैठ जाता है। तो ये नोटिफिकेशन आइकन होता है, इसे आप अपने हिसाब से ऑन रखना चाहे तो ऑन रख सकते हो, ऑफ रखना चाहते हो ऑफ रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है शो कनेक्शन स्पीड, जब भी आप कोई इंटरनेट चलाते हो या वाईफाई चलाते हो तो उसकी जो कनेक्शन स्पीड होगी वो यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हो। अगर इसे ऑन रखोगे तो आपकी जो कनेक्शन स्पीड है वो आपको ऊपर दिखाई देगी कि आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो इसे मैं अभी ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैटरी इंडिकेटर का, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं कि आपके बैटरी को आपको कैसे रखना है। आप नोटिस कीजिए जो बैटरी का जो ग्राफिक होता है सबसे ऊपर उस पर नोटिस कीजिए, तो उसका जो परसेंटेज है वो बीच में लिखा हुआ आता है उसी के अंदर। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है थर्ड वाला, इसमें क्या होता है परसेंटेज बाहर लिखा हुआ आता है, बैटरी उसके पास में बनी हुई होती है। तो तीन आइकन है, आप इनमें से जैसा भी इफेक्ट चाहे वैसा रख सकते हो। मैंने यहाँ बीच वाला सेट कर लिया सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन मिलता है हमें हाइड नोच, तो हाइड नोच वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो अलग अलग नोच आपको दिखाई देती है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। तो दोनों नोच देख सकते हो, फर्स्ट वाली में फुल स्क्रीन रहता है, सेकंड वाली में इसकी थोड़ी सी नोच ऊपर से कट जाती है और ऊपर टाइम लिखा हुआ आ जाता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से भी बाहर निकल जाना है। उसके बाद जाना है आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो रिंगटोन होती है वो चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद आपको जाना है सबसे नीचे, सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको डायल पैड की रिंगटोन रखना है या नहीं रखना है, टेप साउंड रखना है या नहीं रखना है, स्क्रीन लुकिंग साउंड रखना है या फिर स्क्रीन शॉट साउंड रखना है। सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आप कुछ डिलीट करते हो तो उसका साउंड रखना है कि नहीं रखना है, यानी कि हर चीज़ का साउंड है। अगर आप इन्हें चाहे तो ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, आपको जैसा लगे वैसा। मैं तो इसे ऑन ही रहने देता हूँ क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो कुछ साउंड आता है तो इससे अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ टेप साउंड, यानी कि कुछ चीज़ों को टेप करते हैं तो उसका साउंड, इसलिए ये एडिशनल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, मैं इसे ऑन ही रखता हूँ। अब फिर से आपको बाहर निकल जाना है और आपको चलना है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर देना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो होता है कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंट्रोल सेंटर, यानी कि जो ऊपर से हम जो देखते हैं ना नोटिफिकेशन का कंट्रोल सेंटर, ये चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर ओल्ड वर्जन लिखा हुआ आता है, तो ओल्ड वर्जन में क्या है कि पुराना वाला ये आ जाता है कंट्रोल सेंटर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कंट्रोल सेंटर पुराना है। अब नया वाला जो ये वाला है आईफोन जैसा, तो इसे आप देख ही सकते हो। तो ये वाला जैसा भी आप चाहे वैसा सेट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो नया वाला सेट किया है अभी। अब ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर होम स्क्रीन में, होम स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देता है होम स्क्रीन का ही, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे अलग अलग कि आपको जो, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होम स्क्रीन में इस ऑप्शन का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले देखिए जो मेरी एप्स है, अभी मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ कि राइट से लेफ्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो एप्स आती है। अब मैं इसे चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, अब मैं इसे विथ एप ड्रॉवर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब देखना, अब स्क्रॉल करने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, ठीक है। स्क्रॉल करने वाला सिस्टम भी है, ठीक है, इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, दोनों ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर आप इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करे हुए तो सारी एप्स आ जाएगी, ठीक है,
जैसे कि देखिए मैं इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर सारी एप्स आ जाती है, और इसे राइट साइड से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर विथ ऐप ड्रॉवर का और क्लासिक का, तो जैसा आप चाहे वैसा सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्लासिक ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइकन साइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आइकन साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन की आइकन जो रहती है उसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो, साइज को बड़ा रख सकते हो या फिर छोटा रख सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी मैं बाहर निकल जाता हूँ, और यहाँ से भी बाहर जाने के बाद आप चलते हैं अगले ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमें वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, थीम के लिए ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है फेस लॉक के लिए। तो फेस लॉक में भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि होता क्या है कि जब हमारा मोबाइल फेस लॉक लगा हुआ रहता है, तो फेस लॉक से जब भी हम मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो इसकी स्क्रीन जो होती है वो ऑन नहीं हो पाती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, ऐसा आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप जैसे कि मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ़ कर देता हूँ यानी लॉक करता हूँ। अभी मैंने अपनी स्क्रीन को लॉक कर दिया है, ऑफ़ कर दिया है। अब मैं पावर बटन एक बार दबा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे फेस लॉक से जो लॉक होता है वो तो ऑन हो चुका है, लॉक खुल गया है। ऊपर एक राइट का निशान भी बना हुआ था यानी कि लॉक ओपन हो चुका है। अब इसे मेन स्क्रीन पर लाने के लिए इसे थोड़ा सा स्वाइप अप करना पड़ता है, तो ये स्वाइप अप हटाने के लिए आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन इसे ऑफ़ कर सकते हो। अब देखना, अब मैं स्क्रीन ऑफ है, अब यहाँ पर पावर बटन दबाता हूँ और डायरेक्ट मेरा लॉक ओपन हो जाता है। तो इसका यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हो, तो स्टे ऑन लॉक स्क्रीन को आप इसे ऑफ रख सकते हो, इससे क्या होगा कि आपका लॉक जो है वो डायरेक्टली खुल जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन फिर से वही आ जाता है जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, ठीक है। और सेकेंड स्पेस प्राइवेसी प्रोटेक्शन, वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और चलते हैं यहाँ पर ऐप्स में। तो ऐप्स में भी आपको यहाँ पर सबसे नीचे का इम्पोर्टेंट में तो आपको ऐप लॉक ही मिलेगा, तो यहाँ से आप अपने मोबाइल में ऐप लॉक लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग मिल जाती है, एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, इसका रीजन चेंज कर सकते हो, इंडिया है तो इंडिया सेट कर सकते हो, बाहर से कहीं से हो तो आप वहाँ का सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 100 मोड, ये वाला ऑप्शन होता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन साइज बहुत बड़ी है, आप एक हाथ से मोबाइल चलाना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी पहले इसका स्क्रीन साइज़ सेट कर देता हूँ 4.0 इंचेस। अब मैं यहाँ पर 100 मोड भी ऑन कर देता हूँ। ऊपर आपको एक डेमो दे रखा है कि आपको 100 मोड का यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली आपको नेविगेशन तीन बटन दिखाई देते हैं नीचे, बीच में से इसे मैं राइट की ओर से स्वाइप करता हूँ, ठीक है। तो ये 100 मोड यानी कि स्क्रीन जो होती है वो छोटी हो जाती है। अब मैं एक हाथ से अपनी स्क्रीन को चला सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो इस टाइप से आप 100 मोड का यूज़ कर सकते हो। मैं इसे अभी ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, तो आपको सिंपल से फुल स्क्रीन डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, बटन्स और गेस्चर्स। तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो जो पहला वाला है वो बटन यानी कि आपके सिंपली आपको मोबाइल में तीन बटन आ जाते हैं नीचे की ओर, नेविगेशन बटन, 1, 2, 3, मेन्यू, होम और बैक। अब आपको ये बटन हटाना है, बटन को ऐसा हटा देना है, नया कुछ करना है, तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर नोट नाउ पे क्लिक कर देना है। सेकंड वाले ऑप्शन पर जब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका जो बैक होता है करने का सिस्टम या फिर होम स्क्रीन का है वो सब चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे जो तीन बटन है वो यहाँ पर हट चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब इसे बैक करने के लिए आपको नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप अप करना पड़ेगा, तो इससे वो आपका मेन्यू बार आ जाएगा। इसे अगर राइट से लेफ्ट की ले जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से दोनों साइड से हो जाता है ये, तो आप बैक करने के लिए आपको ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा फुल स्क्रीन में आपको इस टाइप से। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डेमो दे रखे हैं जिसे आप देख के समझ सकते हो कि आपको बैक जाने के लिए आपको राइट, लेफ्ट और राइट का यूज़ करना है, और रिसेंट ओपन करना है तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाके पुश करना है, और डायरेक्ट अगर आपको किसी चीज़ से बाहर निकलना है तो आपको ऊपर नीचे से ऊपर की ओर इसे ऐसे डायरेक्ट छोड़ देना है, तो आप उस चीज़ से बाहर हो जाओगे। तो ये आपको रखना है तो रखो, नहीं तो इसे ऑफ़ कर सकते हो। मैं अभी इसे वापस बटन ही सेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो मैंने अभी आपको एडिशनल सेटिंग में भी आपको ऑप्शन दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी इस मोबाइल की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैंने आपको बताई है। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।